अनुराग ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। भी समाप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा आपने देखा कि उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए पहले लिए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी लिए गए हैं, आज कुछ और निर्णय हुए हैं और हम सबके बीच में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर आदरणीय पीयूष गोयल जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके आज के निर्णयों पर विस्तार में बात करें। उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि रेलवे और शिक्षा से जुड़ी हुई इन दोनों ही निर्णयों पर आपको विस्तार में जानकारी अलग से भी दे दी जाएगी। धन्यवाद अनुराग जी। आप सब जानते हैं कि गत एक वर्ष में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान, बजट के दौरान और समय समय पर कैबिनेट के लिए हुए निर्णय के अनुसार निर्यात को एक विशेष फोकस मोदी सरकार ने दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही बड़ी छलांग एक्सपोर्ट में लगाने का हम सबको मार्गदर्शन दिया है, प्रोत्साहन दिया है और एक बड़े लक्ष्य को सामने रखते हुए आज पूरे देश में निर्यातक, सभी उत्पादक, जितने हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार सब मिलके एक हिस्टोरिक, ऐतिहासिक एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको खुशी होगी और देश का गर्व बढ़ेगा ये सुनके कि 21 सितंबर तक, पिछले हफ्ते 21 सितंबर तक अगर हम आंकड़े देखें तो देश से 185 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो चुका है और ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पहले 6 महीने के अंदर आज तक हुआ है और अब तो 10 दिन बाकी भी हैं। ऐसी परिस्थिति में एक्सपोर्ट को जब, खासतौर पे जब छोटे निर्यातक एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका एक इंश्योरेंस कवर भी हो, उनको एक गारंटी हो कि खुदा ना खास्ता कभी पेमेंट ना आए, पेमेंट आने में तकलीफ हो, डिले हो जाए और या कोई फेलियर हो जाए। ऐसी परिस्थिति में उनको पेमेंट के लिए इंश्योरेंस की सुविधा सरकार की एक कंपनी ECGC देती है। उसमें जो भी सामान एक्सपोर्ट होता है, गुड्स एक्सपोर्ट होता है या जो पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स बैंक्स देते हैं उत्पादन के समय उद्योग को, या प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है उसके सामने भी पॉलिसीज इशू करते हैं, उस सब के लिए ECGC एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। उसको आज 4,400 करोड़ रुपए एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन करने का, अधिक मात्रा में उनको कैपिटल देने का निर्णय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया।